व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके सामने बना रहे हैं बहुत ही मज़े की और जल्दी बनने वाली रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, एक टेबलस्पून हमने लिया है सूखी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, एक टी स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, एक टी स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, एक टी स्पून हमने लिया है नमक। कढ़ाई को हमने थोड़ा सा गर्म किया, उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल, जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ऑयल में ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। ये तो चिकन का कलर चेंज हो गया, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर हमने भी उनको हमने हाफ हाफ काट लिया। हम ऐसे ही टमाटर डालेंगे इसमें और हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। फिर हमने पानी डाला और इसको हम ढक देंगे। टमाटर भी हमें थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, इसका छिलका हम उतार लेते हैं, आराम से छिलका उतर जाएगा। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया, भाई बहुत सॉफ्ट हो चुका था। अब इसमें डालते हैं लहसुन अदरक पेस्ट, इसको तेज आंच में भूनेंगे। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दही।
और इसको हम 5 मिनट तक ढक देंगे हल्की आंच पे। ये तो माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें घी भी ऊपर आ चुका है, बहुत ही फ्रेश और अच्छा कलर आया है। अब हम इसको निकाल के उतारेंगे, इसमें डालते हैं हम फ्रेश फ्रेश मक्खन। जी तो ये है आज की हमारी रेसिपी, बड़ी मज़ेदार है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे बड़ी अच्छी और सिंपल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।